23 को अपने पंचारी से डकोरा रोड पे डेड बॉडी मिली थी, लगभग 40 साल के नौजवान की। तो उसको आइडेंटिफाई किया, वो दिल्ली का रहने वाला था, सुनील कुमार, एक टैक्सी ड्राइवर था। तो बाद में पता लगा वो टैक्सी ड्राइवर था, उसकी टैक्सी भी नहीं मिल रही है। तो पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज करके ब्लाइंड मर्डर का मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर हमारे अपने पुलिस अधीक्षक श्री आजय दुकल जी के तत्वाधान में SHO मुंडकटी उसकी टीम ने इसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर कहाँ से गिरफ्तार किया इनको? दोनों आरोपियों को इट्टा जिला में अपना रशीदपुर गांव पड़ता है, वहाँ से हत्या इन्होंने किसी हथियार से की थी? नहीं, इन्होंने इसकी कड़ा दबा के हत्या की थी। तो क्या नाम है आरोपियों के? आरोपियों का नाम, एक का नाम अवनीश है और दूसरे का नाम सत्यवीर है। और भी कोई इनका साथी है? सर इनका एक साथी और, 3 साथी है, तीसरा अन्य है। इन्होंने किस लिए इसकी हत्या की थी? इन्होंने इसको, ये जो मृतक है ये टैक्सी ड्राइवर है, गुड़गांव से इसकी टैक्सी कराई हुई इन्होंने आगरा के लिए जी। इनकी प्लानिंग ये थी कि यहाँ से टैक्सी लेके चलेंगे और रास्ते में इसको टैक्सी को लूट लेंगे और उसको फेंक देंगे रास्ते में। तो तीनों ने यहाँ अपने मुंडकटी टोल क्रॉस करने के बाद इसका अगड़ा दबा के इसकी हत्या कर दी और इसकी डेड बॉडी को अपने पंचारी से डकोरा रोड पर फेंक दिया और गाड़ी लेके फरार हो गए। सर गाड़ी का पता लगाया भी नहीं? नहीं, गाड़ी अभी पता है, जो तीसरा साथी इनका उसके पास गाड़ी है, तो उसको अभी इनको पुलिस रिमांड पर लिया है। तो रिमांड पे कितने दिन के लिए सर? 8 दिन के पुलिस रिमांड के लिए। सर कब तक उसकी गिरफ्तारी और गाड़ी बरामद की जाएगी? जल्दी सर रिमांड की ड्यूरिंग उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको, किस लिए इन्होंने, इनका कोई पहले भी कोई गाड़ी वगैरह लूटने का इनका वो था नहीं? अभी तो पुराना अभी का तो क्राइम रिकॉर्ड अभी पता कर रहे हैं, अभी तो पता लगे नहीं, बाकी वो भी पुराना क्राइम रिकॉर्ड पता करेंगे पहले कितने में निकला कर रहे हैं। पुलिस को कैसे पता पड़ेगा ये? हमारे टेक्निकल सर्विलांस और CCTV की मदद से हमने इसमें ट्रेस किया।